हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू द पपाया कोडर्स। एंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गेट ऑल पोस्ट एंड वन थिंग इज गेट पोस्ट बाय आईडी। तो पहले हम गेट पोस्ट बाय आईडी कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद गेट ऑल पोस्ट कर लेंगे। और अभी तक इसके जो हमारे प्रीवियस वीडियोज़ थे उसमें हमने क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट एंड इसके बाद गेट पोस्ट बाय कैटेगरी, गेट पोस्ट बाय यूजर कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद हमें बस तीन API और कंप्लीट करना है, जो कि हमारा गेट ऑल पोस्ट, गेट पोस्ट बाय आईडी एंड सर्च पोस्ट। अब जब मैं गेट ऑल पोस्ट में जब पढ़ाऊँगा तो यहाँ पे जितने भी हमारा पेजिनेशन का कंसेप्ट है वो मैं यहीं पे इम्प्लीमेंट करूँगा, तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। तो चलते हैं, पहले हम अपना गेट पोस्ट बाय आईडी स्टार्ट करते हैं। दिस डॉट पोस्ट रेपो पहले कॉल करेंगे, ये हमारा पोस्ट रेपो, और इसमें फाइंड बाय आईडी का हमारा फंक्शन होगा। फाइंड बाय आईडी से पोस्ट आईडी पहले फाइंड कर लेंगे कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ये पोस्ट आईडी हो गया, अगर एग्जिस्ट करता है तो हम स्टोर करा लेंगे, नहीं तो और एल्स थ्रो जनरेट कर देंगे एक्सेप्शन और एल्स थ्रो। और यहाँ पे बाद हम करेंगे न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन एंड इसके अंदर हम पास करेंगे पोस्ट एंड अगेन पोस्ट आईडी एंड इसके बाद पास कर देंगे पोस्ट आईडी। तो यहाँ पे हमने पोस्ट कर दिया, हमें जबकि पोस्ट करना था। तो ये वेरिएबल है, यहाँ पे आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पहले एक ब्रैकेट और रहेगा एंड अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर भी सकते हैं। तो मैं इसको समझने के लिए सही कर लेता हूँ, इसको पोस्ट कर लेता हूँ, अगेन इसको पोस्ट कर लेता हूँ और यहाँ भी पोस्ट करना पड़ेगा। एंड इसके बाद से जो हमारा सर्विस था उसमें भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा पोस्ट सर्विस और इसके अंदर आते हैं, ये हमारा गेट ऑल पोस्ट कहाँ है, गेट पोस्ट बाय आईडी, तो इसको कर लेंगे पोस्ट। तो ये हमारा गेट पोस्ट बाय आईडी, ये भी हमारा पोस्ट आईडी हो गया। तो अब आते हैं सर्विस सिंपल में, ये रहा हमारा पोस्ट सर्विस सिंपल एंड यहाँ पे करने के बाद इसको हम एक वेरिएबल में साइन कर लेंगे। ऑल्ट इंटर पे क्लिक करेंगे एंड इसको हमें साइन कर लिए पोस्ट, इसका नेमिंग कर देते हैं तो ऑलरेडी पोस्ट है। देन हम बस रिटर्न कर देंगे, सिंपल करने ही से काम है। दिस डॉट मॉडल मैपर डॉट मैप एंड मैप के अंदर हम क्या पास करेंगे, ये जो हमारा पोस्ट है इसको यहाँ पे पास करेंगे और इसको DTO में कन्वर्ट कर देंगे, पोस्ट DTO में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा पोस्ट हुआ एंड कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे पोस्ट DTO डॉट क्लास। तो ये हमारा कन्वर्ट हो चुका एंड इसी को फाइनली हम रिटर्न कर रहे हैं। तो एंड रिटर्न इसको हटा देता हूँ मैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर रिटर्न कर लिया तो अभी सही है। तो हमने बहुत छोटा सा काम था गेट पोस्ट बाय आईडी के लिए, सिंपल सा काम ये था कि हमें पोस्ट आईडी हम जो हमें मिलेगा उस पोस्ट आईडी से हम पोस्ट रेपो में फाइंड बाय आईडी के थ्रू हम पता कर लेंगे कि पोस्ट आईडी एग्जिस्ट करता है नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो वो जो पोस्ट होगा वो हम यहाँ पर स्टोर करा लेंगे और स्टोर कराने के बाद हम ये रिटर्न कर देंगे, पोस्ट डिटेल में कन्वर्ट करके उसी चीज़ को हमें रिटर्न कर देंगे। और मान लो अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पे मैंने मान लो 3 पोस्ट आईडी सेंड किया तो यहाँ पे आएगा 3, डेटाबेस में सर्च करेगा 3, अगर 3 एग्जिस्ट नहीं करता तो रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा कि पोस्ट विद पोस्ट आईडी नॉट फाउंड, ऐसे करके एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया था, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका, अब इसका हमें बनाना है कंट्रोलर। तो चलते हैं इसका कंट्रोलर बनाते हैं। तो हमारा कंट्रोलर पैकेज ये रहा एंड कंट्रोलर पैकेज के अंदर ये हमारा पोस्ट कंट्रोलर है, तो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं कंट्रोलर। एंड हमने यहाँ भी आप देख सकते हो क्रिएट पोस्ट, अपडेट पोस्ट, गेट बाय कैटेगरी एंड गेट बाय यूजर एंड डिलीट पोस्ट, इतना हमने कंप्लीट कर लिया था। ये सारा हमारा इतना सारा API हमने क्रिएट भी कर लिया था एंड अपने पोस्टमैन में हमें चेक भी कर लिया था कि प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो फिलहाल अभी हमें करना है गेट पोस्ट बाय आईडी, तो इसको मैं लिख लेता हूँ ताकि समझ में आए हमें, गेट पोस्ट बाय आईडी। तो इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ पब्लिक
रिस्पॉन्स एंटिटी एंड इसके अंदर हमें क्या रिटर्न करना है, पोस्ट डीटीओ। तो हम पोस्ट डीटीओ को ले लेंगे एंड फंक्शन का नाम लिखेंगे गेट पोस्ट बाय आईडी कर लेता हूँ, गेट पोस्ट बाय आईडी। एंड इसके अंदर मैं पोस्ट की आईडी ले लूँगा, तो उसके लिए मैं पाथ वेरिएबल के थ्रू URL के थ्रू लेना होगा। तो हमें यूज करना है पाथ वेरिएबल एनोटेशन, तो यूज करते हैं @ पाथ वेरिएबल। एंड अब हमें चाहिए पोस्ट आईडी, तो पोस्ट आईडी इंटीजर के फॉर्म में मिलेगा, तो उसका डेटा टाइप लिखेंगे इंटीजर इंटीजर एंड अगेन लिखेंगे पोस्ट आईडी। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, अब जो हमें ये पोस्ट आईडी जो हमें यहाँ पे मिला है, इसको हम पोस्ट सर्विस के जो गेट पोस्ट बाई आईडी था उसको कॉल करके उसके अंदर पोस्ट आईडी हम पास कर देंगे। तो सिंपली हमें लिखना है दिस डॉट पोस्ट सर्विस एंड पोस्ट सर्विस के अंदर गेट पोस्ट बाई आईडी एंड इसके अंदर पोस्ट आईडी हम पास कर देंगे। ये रहा हमारा पोस्ट आईडी एंड इसको क्लोज करके इसको हम एक लोकल वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं जिसका नाम हम रख देंगे पोस्ट डीटीओ। तो ऑल्ट इंटर करते हैं एंड ये हमारा इसको नेमिंग कर देते हैं पोस्ट एंड डीटीओ। इतना हो गया। एंड इतना होने के बाद इसे सिंपली हम रिटर्न करा देंगे, तो रिटर्न कराते हैं रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। तो रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर हमें क्या रिटर्न कराना है, जो हमें ये पोस्ट डीटीओ मिला है इसी चीज़ को रिटर्न कराना है और साथ साथ एक https:status.ok हम रिस्पॉन्स करा देंगे। तो करते हैं पोस्ट डीटीओ एंड https://status.ok ये हमने कर दिया, इसको क्लोज करेंगे। एंड ये हमें एरर क्यों दिखा रहा है, अच्छा ये स्मॉल में है तो हमें स्मॉल में करना पड़ेगा पोस्ट डीटीओ अभी, ठीक है। एंड ये जो यहाँ पे है इसमें हम एग्जैक्टली यही लिख सकते हैं, चाहो तो आप लिखो वरना वहाँ पे आप छोड़ भी सकते हो, बट मैं लिख देता हूँ ताकि हमें ये दिखे कि ये पोस्ट डीटीओ हमें रिटर्न करना है। यहाँ पे मैं कर दूँगा पोस्ट डीटीओ, सिंपल, और हमारा काम ख़त्म हो जाता है। इसके बाद से हमें क्या करना है, हम एक ये गेट मैपिंग जो हम जैसे कि हम यूज ये कर रहे थे गेट मैपिंग डिलीट मैपिंग, तो ये हम चाहते हैं हमारा गेट पोस्ट बाई आईडी मिले जब कोई गेट पे फायर करे, तो उसके लिए हमें करते हैं गेट, ये रहा हमारा गेट गेट मैपिंग। एंड गेट मैपिंग के अंदर हम क्या करेंगे, हम क्या जैसे कि हम अभी तक यहाँ पे ले रहे थे पोस्ट ले रहे थे, पोस्ट की आईडी ले रहे थे, तो जब हमें गेट पोस्ट बाई आईडी करना है तो एग्जैक्टली हमें URL यही लेंगे, लेकिन जैसे कि पोस्ट है और पोस्ट आईडी है, डिलीट हुआ तो डिलीट कर देगा उस आईडी को, तो URL तुम्हारा सेम रहेगा लेकिन ये जो एनोटेशन है ये गेट का रहेगा। तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली उसी चीज़ को लिखते हैं पोस्ट एंड पोस्ट के बाद एक स्लैश और लिखेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे लिखेंगे हम पोस्ट आईडी। तो ये मैं एक बार आपको समझा देता हूँ ये हो क्या रहा है। जैसे कि अगर हमें पोस्ट बाय गेट पोस्ट यानी कि हमें पोस्ट गेट करना है बाय आईडी की हेल्प से, तो हम जो हमारा पोस्टमैन में उसमें स्लैश पोस्ट मतलब ये तो URL रहेगा ही कॉमन है सब में /API/ एंड इसके बाद स्लैश पोस्ट लिखेंगे और जिस आईडी को हमें गेट करना है, मान लो अगर हमें पोस्ट आईडी 3 को गेट करना है तो यहाँ पे 3 पास कर देंगे। तो अगर डेटाबेस में चेक करेगा पोस्ट 3 है तो उसे हमें मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या काम किया ये देखते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट आईडी ये है तो पाथ वेरिएबल के थ्रू हमें पोस्ट आईडी यहाँ पे मिल जाएगा, और जो हमें पोस्ट आईडी यहाँ पे मिल रही है इसी चीज़ को हमने दिस डॉट पोस्ट सर्विस डॉट गेट पोस्ट बाई आईडी इसको कॉल कर, देखो जो पोस्ट सर्विस है पोस्ट सर्विस में गेट पोस्ट बाई आईडी यानी कि जो हमारा पोस्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन था, तो पोस्ट सर्विस के थ्रू यहाँ पे आएगा एंड गेट पोस्ट बाई आईडी ये रहा गेट पोस्ट बाई आईडी ये फंक्शन चलेगा। और ये चलने के बाद हमें रिटर्न में हम कंट्रोलर दिखाता हूँ, ये रहा हमारा पोस्ट कंट्रोलर एंड रिटर्न में हमें क्या मिल जाएगा पोस्ट डीटीओ मिल जाएगा, और जो हमें पोस्ट डीटीओ मिलेगा उसी पोस्ट डीटीओ को हमने सेंड कर दिया है एंड साथ में https:status.ok भी सेंड कर दिया है।
तो बस यहीं तक था, अब हम चलते हैं अपने पोस्टमैन में एंड पोस्टमैन में डेटाबेस में सब चेक करते हैं प्रॉपर ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो पोस्टमैन में चलने से पहले हम अपने प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो हम आते हैं अपने मेन एप्लीकेशन, ये रहा हमारा मेन एप्लीकेशन जो कि ब्लॉग एप्लीकेशन है एंड यहाँ पे ये जो हमारा नीचे वाला है जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे हम रन करेंगे। एंड देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है और रन हो चुका है जो कि आप देख सकते हो। टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 9292 एंड स्टार्टेड ब्लॉक एप्लीकेशन, यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया। तो चलते हैं पोस्टमैन सर्च करते हैं। पोस्टमैन, वेट, ये रहा हमारा पोस्ट। ये रहा पोस्टमैन। एंड पोस्टमैन में हम इसको एक डुप्लीकेट कर लेंगे। कंट्रोल डी डुप्लीकेट किए एंड यहाँ पे आने के बाद इसका नेम चेंज कर लेंगे। इसका नाम रखेंगे गेट पोस्ट बाय आईडी, यानी कि पोस्ट की आईडी पास करेंगे हमें पोस्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं गेट और HTTP लोकल होस्ट 9292 API/ एंड ये रहा पोस्ट एंड पोस्ट कवर 2, यानी जिसे भी हमें गेट करना है बस उसकी आईडी पास करेंगे वो हमें मिल जाएगा। तो पहले इसको सेव कर लेते हैं ताकि ये जो डिलीट यहाँ पे दिख रहा है ये चेंज हो जाए गेट के से। तो हम डिलीट किए, सॉरी सेव किया हमने, तो ये सब चीज़ें चेंज हो गई। तो पहले हम अपने डेटाबेस में चेक करते हैं कि हमारे डेटाबेस में कौन कौन सी पोस्ट अभी अवेलेबल हैं। तो MySQL वर्कबेंच ओपन करेंगे एंड ये रहा हमारा MySQL वर्कबेंच। यहाँ से ओपन करेंगे, एंड ये इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। और ये रहा हमारा डेटाबेस एप्लीकेशन। इसके अंदर हमें तीनों टेबल मिल जाएंगे, कैटेगरीज, पोस्ट एंड यूजर। अभी फिलहाल हमें पोस्ट में चेक करना है, तो पोस्ट को ओपन करते हैं। एंड पोस्ट में भी हमारे पास तीन पोस्ट हैं, 3rd, 4th, 5th। तो आते अपने पोस्टमैन में, अगर 2 पे सेंड करते हैं तो हमें मिलता नॉट फाउंड, पोस्ट नॉट फाउंड विथ पोस्ट आईडी 2 एंड स्टेटस फॉल्स, क्योंकि पोस्ट आईडी 2 से कोई है ही नहीं। अगर मैं 3 इंटर करता हूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। 3 क्लिक करने पे हमारा टाइटल पोस्ट 3 मिल गया, जनरल नॉलेज, इसके बारे में सारा, किस कैटेगरी के अंदर ये पोस्ट है तो कैटेगरी 5 के अंदर है। एंड कौन से यूजर ने इसको पोस्ट किया था, तो 22 यूजर ने, यानी कि अल्ताफ ने इसको पोस्ट किया था। तो आप देख सकते हो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। एंड अगेन मैं 4 करके देखता हूँ, तो 4 पर मैं क्लिक करूँगा तो पोस्ट 4 पर एग्जिस्ट करता है। एंड वो किस कैटेगरी में, कैटेगरी 6 में है। एंड किस यूजर ने इसको क्रिएट किया था पोस्ट को, तो ये भी सेम यूजर यानी कि अल्ताफ ने इसको क्रिएट किया था। अब इस बार मैं 5 करता हूँ, अगेन सेंड पे क्लिक करता हूँ तो पोस्ट 5 भी एग्जिस्ट करता है। एंड किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, कैटेगरी 5 में बिलोंग करता है। एंड किस यूजर ने इसको पोस्ट किया था, तो इस बार यूजर 33 यानी कि रजा ने इसको पोस्ट किया था। तो ये कम्प्लीटली हम देख सकते हैं। एंड हमने जितने सारे बनाए थे, हमने पोस्ट यूजर के लिए बनाया था, तो यूजर के लिए था गेट सिंगल यूजर, यानी कि यूजर की आईडी पास करते तो हमें यूजर मिल जाता। सेम अगर हम कैटेगरी के लिए जब बनाए थे तो कैटेगरी की आईडी पास करते तो गेट सिंगल कैटेगरी जो हमने बनाया था, कैटेगरी आईडी पास करते तो हमें कैटेगरी मिल जाता। अब जब हमने पोस्ट के लिए बनाया तो पोस्ट को गेट करने के लिए हमने 3 तरीका अभी तक बना लिया। एक तो पोस्ट की आईडी फाइंड करो तो हमें मिल जा रहा है, दूसरा अगर मैं कैटेगरी की आईडी पास कर रहा हूँ तब भी मुझे पोस्ट मिल जा रहा है, और यूजर की आईडी पास करूँ मैं तब भी मुझे पोस्ट मिल जा रहा है। हमने ये दोनों चीज़ें भी देखा था, मैं एक बार फिर से रिवाइज करके दिखा देता हूँ आपको। अगर कैटेगरी 6, अब मैं कैटेगरी 6 में डालता हूँ तो कैटेगरी 6 में कौन सा यूजर है ये हमें मिल जा रहा है,
और अगर यूजर की आईडी पास कर रहा हूँ कि हमें 33 यूजर्स की जिसने पोस्ट किया था वो हमें मिल जाए, तो देखो 33 यानी कि ये पोस्ट यूजर ने किया था, तो हमने इस एंटिटी में जो हमारा पोस्ट वाली एंटिटी है इसमें हमने गेट करने का तीन तरीका देख लिया। एक तो खुद की आईडी से गेट कर ले रहे हैं हम, और एक तो कैटेगरी की आईडी से भी गेट कर ले रहे हैं, और दूसरा यूजर की भी आईडी से हम यहाँ से पोस्ट गेट कर ले रहे हैं। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट अपना देख लिया जो हमारा गेट पोस्ट बाई आईडी था। एंड अगेन जो अपने प्रोग्राम में चलते हैं, पहले उसको मैं नीचे कर लूँ। एंड हमारा जो सर्विस इम्पल था यहाँ पे, तो हमें सिंपली गेट ऑल पोस्ट देखना है और सर्च पोस्ट देखना है। तो इन दोनों को मैं सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। इन दोनों को सेपरेट वीडियो में बनाने का रीज़न ये है क्योंकि गेट ऑल पोस्ट से ही हम जब पहले एक बार तो हम गेट ऑल पोस्ट का पहले कोड देख लेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। एक बार ये हमने गेट ऑल पोस्ट का बना लिया तो इसी में पेजिनेशन का हम कॉन्सेप्ट डालेंगे कि एक पेज पे वो आए, एक पेज पे 10 पोस्ट, दो पेज पे फिर नेक्स्ट 10 पोस्ट, एंड थर्ड पेज पे फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 पोस्ट, ऐसे करके पेजिनेशन का काम हम यहीं पे करने वाले हैं। तो ये इसका एक अलग ही वीडियो बनेगा जो कि सेपरेट होगा। एंड यहाँ पे सर्च पोस्ट जो पे हम सर्चिंग का कंसेप्ट लाएंगे ताकि हम पोस्ट टाइटल सर्च करें और वो हमें पोस्ट मिल जाए, या फिर पोस्ट का जो कंटेंट है वो सर्च करें हमें पोस्ट मिल जाए। तो हम उस टाइम पे चूज करेंगे हम टाइटल से सर्च करना चाहते हैं कि कंटेंट से सर्च करना चाहते हैं, तो हम उस हिसाब से हम सर्च करेंगे और हमें वो पोस्ट मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय।